अस्सलामुअलैकुम, मैं बात कर रहा हूँ साजिद मुगल। और ये हमारा प्रोग्राम बन गया था सब दोस्तों का। और पहले हम गए हैं मस्जिद में, नमाज़ पढ़ी बादशाही मस्जिद में, तो इशा की नमाज का टाइम हो गया था, वो अदा की है। फिर उसके बाद हम बाहर निकल आए हैं तो अकबाल डे पे ना, फिर उधर बड़ी लाइटिंग, ये सबसे प्यारा मुझे फानूस लगा है, बड़ा बहुत कमाल लगा हुआ था। तो वहाँ पे कदन वगैरह थे, पहले भाई की शॉप पे गए हैं, वहाँ से शॉप बंद की है, फिर आके चले गए हैं। तो यहाँ पे आज तो कमाल ही किया हुआ था लोगों ने, इतनी लाइटिंग, इतना कुछ किया हुआ था, समझ से पाए था। तो ये हम पैदल चलते जा रहे थे, तो रास्ते में पहले हमने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी है, फिर हम गए हैं जनाब उधर, जलेबियाँ वगैरह खाई हैं। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा खाना शाना खाया, उसके बाद फिर हम वापस आए हैं। तो इधर लोग बहुत ज़्यादा थे, समझ नहीं आई इतने लोग कहाँ से आ गए हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को देख रहा था मैं, भंगड़े डाल रहे थे, तो कुछ लोग तो पहले कवाली चल रही थी, कवाल लगे हुए थे, मुख्तलिफ उन्होंने कैंप बना के लगाए हुए थे, वो कवाल खां वगैरह जो है ना, वो कवालियाँ कर रहे थे। तो फिर थोड़ा सा आगे जब जाएंगे ना, इससे आगे थोड़ा सा आगे, वहाँ पे कुछ लड़के जो है ना, वो तमाल क्या कहते हैं उसको, वो डाल रहे थे। तो वो उनकी मैं आपको साउंड भी सुनाता हूँ, ये एक्चुअली मैंने साउंड कम की हुई थी, इस पर वो कुछ कवालियाँ कुछ ऐसा था कि जिससे ना कॉपीराइट के चांस होते हैं, कोई म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, तो इसलिए मैंने इसकी साउंड जो है ना वो फिर दोबारा से ऊपर भर रहा हूँ। और मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब हुआ है, तो उसके लिए माजरत। ये कवाल खान वगैरह लगे हुए हैं, कवालियाँ कर रहे हैं, तो कुछ लोग उधर देखें बना बना के चावल वगैरह बांट रहे थे। ये वहाँ से फिर हम आगे निकले हैं, तो शाही किले की तरफ गए हैं। वहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह ना, कुछ शूटिंग शाटिंग थी या क्या था, वहाँ पे ये लोग डांस वगैरह कर रहे थे, तो कोई फिल्म वगैरह शूटिंग वगैरह हो रही थी, तो वो देखी है। उसके बाद फिर हम वापस वहाँ से निकले हैं। तो ये बाबा जी जो सामने बैठे हुए, ये बड़े जज्बाती हुए थे। तो उधर से जब निकले हैं ना हम, पहले तो रास्ते में जाते हुए गाड़ी पे गए हैं, उसमें पेट्रोल का प्रॉब्लम थी, पेट्रोल डलवाया स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर वो सब लड़के जज्बाती थे, जी जाना है। फिर हमने बाइकें ली हैं, तो उस पर चले गए आगे। बाइकों पे ये बेस्ट हो गया कि जितना रश था ना, वो ज़्यादा बेस्ट हो गया। अल्लाह की तरफ से हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, तो इसलिए शायद, नहीं तो हमने ट्रैफिक में जाम हो जाना था, आगे जा ही नहीं सकना था। तो ये भी काफ़ी बेस्ट हो गया कि जो हम बाइक वगैरह लेके हैं। तो ये उधर कैमल वगैरह भी आए हुए थे, लोगों को ना, बच्चों को झूले झूले दे रहे थे। और लाइटिंग यार पता नहीं क्यों इतनी कमाल की लाइटिंग की हुई थी लोगों ने, इतनी कमाल की। और मेरा ख्याल है कि फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है इतने जोश जज्बे से उन्होंने इकबाल डे को मनाया है। ये देखे ना, ये कैमल के ऊपर लोग बैठ के सवारी कर रहे हैं, तो कुछ कैमल वगैरह थे, वो उनके पीछे वो रेड़ा वगैरह जो होता है ना, वो भी डाला हुआ था, घट सा डाल के, तो उसके ऊपर बड़ी लाइटिंग शाइटिंग और वो की हुई थी। तो ये आगे जब इधर से हमने टर्न लेना है ना, ये फनूस मुझे बहुत कमाल का लगा, बड़ा ही कमाल का था। और लग ऐसे रहा जैसे इन्होंने ना किसी बड़ी जगह से तार के लाए हैं, यानी मकसद के जैसे वो
शाह फैसल मस्जिद वगैरह में लगा हुआ है ना, उस टाइप का बहुत हैवी किस्म का था। और इसके बाद फिर वापसी पे जो हुआ है, कमाल की उधर फाइटिंग हुई है, लड़ाई हुई है। वैसे इतना हजूम हो तो फिर ये काम तो बनते ही हैं। ये शुक्र अल्लाह का कि हमने ना फिर फैसला किया कि हम यार जल्दी वापस निकलते हैं। फिर हम वहाँ से वापस जल्दी निकल आए हैं रश के ख़त्म होने से पहले पहले। तो फिर हम उधर दरबार पे गए, वो क्या नाम है, कैद आज़म के मज़ार पे गए, वहाँ पे उनके लिए दुआ मांगी है, पाकिस्तान के लिए दुआ मांगी, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर बेहतरी करे और और हमारे लिए।